आज की वीडियो हमारी गाड़ियों के अंदर एक्सल लगते हैं वो कितने प्रकार के लगते हैं, आज हम डेड एक्सल के बारे में बताएंगे, उसमें किस प्रकार से कार्य करता है डेड एक्सल, उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, पार्टों में क्या आता है। सबसे पहले डेड एक्सल क्या होता है, जो आगे लगता है, ये है हमारा डेड एक्सल। ठीक है, डेड एक्सल के बाद हमारा जो लगा होता है टाई रोड, ये होती है टाई रोड। टाई रोड का क्या काम होता है, जिस तरफ भी हमें गाड़ी को घुमाना होता है, मोड़ना होता है, वो टाई रोड काम करती है। अगर टाई रोड का बैलेंस सही नहीं है या दोनों चारों टायरों का इक्वल बैलेंस नहीं है तो गाड़ी क्या करेगी, टायर को खाने लग जाती है। ठीक है ना, तो इसमें टाई रोड से हम क्या करते हैं, टाई रोड से हम कटाई करते हैं, जिस तरफ भी आपने गाड़ी को घुमाना है वहीं पे घुमा देते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये होता है हमारा ब्रेक शू। ब्रेक शू क्या होता है और ब्रेक लेदर क्या होता है, ब्रेक शू का मतलब पूरा सेट, और ब्रेक लेदर जो उसके ऊपर डिस लगी होती है जिससे हमारा ब्रेक जाम होता है। इसके ऊपर क्या आता है, ड्रम के अंदर ब्रेक शू हमारे लगे होते हैं, जब हम ब्रेक को दबाते हैं पैर से तो क्या होता है, इसके अंदर लगी होती स्प्रिंग, ये देखो स्प्रिंग, ये स्प्रिंग लगी होती है। इसके बाद आता है प्राइमरी बैरिंग, ये सेकेंडरी बैरिंग, ये दोनों बैरिंग लगे होते हैं, एक छोटा बैरिंग एक बड़ा बैरिंग। इसके बाद आपको दिखाते हैं ड्रम, ड्रम क्या होता है, ये होता है हमारा ड्रम, ये ड्रम होता है। जब हम ब्रेक को दबाएंगे तो ड्रम क्या करेगा, ड्रम को जाम कर देगा, तो वहीं पे हमारी गाड़ी क्या करेगी, रुक जाएगी। जब ब्रेक लगाएंगे क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी। तो हमारा व्हील किस पे चलता है, व्हील हमारा चलता स्टड पे, ये देखो स्टड, ये होता है स्टड। स्टड के क्या नहीं होता है, स्टड के हेड नहीं होता है, क्या नहीं होता है, हेड नहीं होता है। स्टड के दोनों तरफ चूड़िया होती है। ठीक है, ये हमारा कितने एमएम का है, कितने सूत का है, 6 सूत, 6 नंबर, 6 सूत का ये लगा है। ठीक है, उसके बाद आता है ये किंग पिन होती है। ठीक है, जब हम ब्रेक क्या है, ये हमारी ब्रेक लीवर होता है, इसके अंदर पिन लगी होती है, कहां पे, जब हम ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक वाला लीवर हमारा ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे दबता है ना, तो इसी तरह हमारा क्या है, ये ब्रेक शू काम करता है। समझ में आया, और कोई डाउट, कोई डाउट, ये होती है हमारी टायर रोड, बता रहे मैंने टायर रोड यही होती है, ये गाड़ी की कटाई करने के लिए मेन मकसद इसका क्या है, गाड़ी की कटाई करना। जब हमारा स्टीयरिंग फेल हो जाता है तो क्या होता है, ना तो कटाई करेगा ना कुछ करेगा, आगे है उसी में चढ़ते हुए मारते हुए चला जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा क्या है, स्टीयरिंग ठीक होना चाहिए, गाड़ी के अंदर ब्रेक ठीक होना चाहिए, गाड़ी में तेल भी देखना चाहिए हमें। जब भी हम गाड़ी को निकालेंगे तो गाड़ी के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, ब्रेक, गियर ठीक करता है काम, गाड़ी में तेल है, गाड़ी हिट हो जाएगी, उसमें पानी है, किसमें पानी, किसमें डलता है, रेडिएटर में, रेडिएटर में पानी है, ये चीजें हमें कूलेंट, उसको कूलेंट बोलते हैं, ग्रीन कलर का कूलेंट आता है। ठीक है ना, वो हमें चेक करना है, सब गाड़ी की मेंटेनेंस देख करके तब हम चले। जब हम चारों व्हील हमारे लगे होते हैं तो उसमें क्या करना होता है, चारों व्हीलों को बजा के देखेंगे कि उसमें ठीक है या नहीं है, या कहीं से पंचर तो नहीं है, कभी हम जाए तो रस्ते में हमें दिक्कत हो जाए। इसीलिए दोस्तों मैंने आज आपको फ्रंट एक्सल के बारे में बताया, आप लोग वीडियो में कुछ समझ में आया, अगर नहीं समझ में आता तो आप बार बार वीडियो देखिए। आप लोगों को पता ही है कि आप लोग अपना चैनल नरेश सर आईटीआई के नाम से, हमारी गवर्नमेंट आईटीआई सीतापुर का ये चैनल है, इसमें आप लोगों को अप्रेंटिस